भाई फाइनली आज टाइम आ गया है एक बढ़िया सा स्केच बनाने का। अभी मैं बहुत दिल से स्केचिंग नहीं कर रहा था, बट आज फाइनली कुछ बनाने की इच्छा हो रही है। पर यार बनाया क्या जाए, सब तो बना दिया यार। अब बहुत सारे पे लोगों के कमेंट भी आ गए सेलिब्रिटीज के, तो अभी क्या बनाया जाए, अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा अभी। और मेरे को ये भी देखना है कि मैं इतने दिनों बाद पहले जैसे स्केच बना पाता हूँ कि नहीं, इतनी बढ़िया बढ़िया। यार अभी छोड़ो यार, अभी समझ नहीं आ रहा। तो अपन एक काम करते हैं, पहले डिसाइड करते हैं। और वो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है मेल और ये फीमेल, और ये मैं स्पिन करूंगा इस पे एक क्लिक करके। 1 2 3 स्पिन। देखो भाई फीमेल ही आया। अब तुम लोग बोलते हो तुम लड़कियों के स्केच बनाते हो, भगवान वही चाहते तो हम क्या करें। देखो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, जो हुआ है लक से हुआ है। देखो मैं ज्यादा मूवीज देखता नहीं हूँ, बट फिर भी मैंने जैसे तैसे इंस्टाग्राम पे कुछ सुंदरियों के फोटो निकाल लिए हैं। क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा वो अभी गला बैठा हुआ है, थोड़ी जुबान अटक रही है इधर उधर। अब तुमको बताना है कि मैं इनमें से किस, नहीं यार तुम कैसे बताओगे, वापस से अपने को वही स्पिन करना पड़ेगा। ऑलराइट, मैंने यहाँ पे सबके नाम लिख दिए, जैसे कि तुम देख सकते हो। तृप्ति कौन है, अच्छा ये फर्स्ट वाली। मैं तो यार लोगों को पहचानता भी नहीं हूँ, पर मैंने फॉलोअर ज्यादा देखे, एक्टर देखा तो कर दिया। ये है रश्मिका, ये वाली श्रद्धा, ये वाली कियारा, ये वाली और दीपक। अरे दीपक ये क्या लिखा है, सॉरी दीपिका लिखना था यार। हो जाती है यार, थोड़ी थोड़ी गलतियां हो जाती है कभी कभी। वैसे मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, छोटे छोटे, कल ही कटवाए, अच्छे लग रहे कि नहीं? नहीं लग रहे शायद, अभी नहीं लग रहे, 2-3 दिन बाद लगेंगे शायद। तो चलो पांचों नाम आ गए हैं, 1 2 3। और हाँ, वीडियो के बीच में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तो स्किप मत करना, देखते रहना, मजा आएगा। स्पिन। तृप्ति, तो ये है अपना फाइनल फोटो जो कि मैं अभी ड्रॉ करने वाला हूँ। पर यार एक सेकेंड, अब ड्रॉ किस पे करूँ, A4 या A3? बड़ा हो जाएगा यार, मैं तो उसी पे करता। खैर अभी बनाता हूँ मैं A3 पे, बनने के बाद उसको फ्रेम करवाऊंगा तो कुछ इतना बड़ा हो जाएगा। 2000 years later। यार ये मेरे को थोड़ी थोड़ी एलियन जैसी लग रही है। यार यही एक टाइम होता है जहाँ आधे बंदे क्विट कर देते हैं। जब तक के स्केच पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता ना, तब तक के ऐसा लगता है कि भाई ये कुछ और ही बन रहा है। पर जब ये कंप्लीट हो जाता है ना, तब कुछ ऐसा मास्टरपीस बन जाता है। बहुत डिटेलिंग है इसमें, पास से देखोगे ना बहुत मजा आएगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं जिसको जानता भी नहीं हूँ ना, उसकी स्केच बना रहा हूँ। खैर अभी तो मैंने गूगल पे सर्च करके देख लिया है, इंडियन एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी। तृप्ति डिमरी, नाइस नेम, पहली बार सुना है। वैसे क्या लगता है तुमको, इतना बनाने में कितना टाइम लगा होगा? गैस करो, जल्दी जल्दी सोच के बताओ कितना टाइम लगा होगा। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तुम्हारे हिसाब से कितना लगा होगा? चलो मैं ही बता देता हूँ यार, इसको पूरे 3 घंटे लग गए। सिर्फ मैंने आउटलाइन बना के हल्का सा शेडिंग ही करा है। 4 बजने वाले अभी। एक गलती पूरे स्केच को खराब कर सकती है, और वो एक गलती हो गई है। दाग आ गया यहाँ पे, पानी गिर गया हल्का सा। अगर स्केच पे पानी गिर जाए और वो फैल जाए भाई, रायता फैल जाता है फिर पूरा, मतलब पानी फैल जाता है तो स्केच खराब हो जाती है। भाई बहुत पेशेंस ये रहता है एक स्केच को बनाने में। जैसा कि अभी बाहर देखो पूरा अंधेरा हो गया, रात हो गई है, 6 बजने वाले थोड़ी देर में। और ये है कि भाई अभी तक के 30% भी कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ 20-25% पे अटका हुआ है। खैर क्या दिक्कत है, बना लेंगे। अगर तुमको भी अपना स्केच बनवाना हो तो मेरे को मैसेज कर सकते हो, बहुत कम रेट। देखो भाई हाथों की बहुत एक्सरसाइज हो गई है, सुबह से स्केच बना रहा हूँ, हाथ दुख रहे हैं, उंगलियों की एक्सरसाइज हो गई है, 2-2 सेंटीमीटर मोटी हो गई उंगलियाँ। शायद 2 सेंटीमीटर थोड़ा ज्यादा हो गया, बट फिर भी उंगलियाँ मोटी हो गई है, समझ गए ना तुम, एक्सरसाइज हो गई है उंगलियों की। अब थोड़ा बॉडी का भी वर्कआउट कर लेते हैं। यार जब जिम जा रहा था तब तो अच्छा दिख रहा था, अब क्या हो गया, अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा। पर कोई नहीं, इसको बहुत बढ़िया बनाता हूँ, सिर्फ थोड़ा सा हाथ का जादू दिखा के। चले शुरू करें, आज की आज कंप्लीट कर दूंगा इसको।
देखो भाई, लड़कियां रियल में हो या फिर फोटो में या फिर स्केच में, सब जगह इनको मेकअप की जरूरत पड़ती है। बस मैंने भी इसमें थोड़ा बहुत मेकअप किया है, लिपस्टिक डार्क कर दी है, पाउडर लगा दिया है गोरे होने के लिए, लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है फेस, बस हाइलाइटर की जरूरत है। अब देखो, मेरे को लड़कियों के मेकअप के बारे में उतना मालूम नहीं है, पर स्केच का मालूम है, तो इसीलिए मैं हाईलाइट करूंगा व्हाइट पेन से। अरे खराब हो गया भाई, कीचड़ बना दिया मैंने, क्या कर दिया ये मैंने, वापस ठीक करना पड़ेगा। कमी है, थोड़ी सी और कमी है। ले ओ भाई, इसी की कमी थी, अभी मेरा पीसी लैग हो गया है। देखो माउस अटका हुआ है, मैं यहां से चला रहा हूं, पर वो वहीं की वहीं है। ये देखो, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बस इसमें अब फाइनल टच देने की बारी आ गई है, उसके बाद मैजिक देखना भाई। तो भाई फाइनली स्केच रेडी है, मैं तुमको दिखा देता, बट उससे पहले मेरे को साइड की बॉर्डर कटिंग करनी पड़ेगी। फाइनली स्केच रेडी हो गया है, अब इसको मैं दिखाने वाला हूँ, बट उससे पहले कुछ जरूरी चीजें बता देता हूँ। जैसे कि तुम लोग को लग रहा होगा कि बहुत कम टाइम लगा होगा, बट मेरे को पूरे 2 दिन निकल गए इसको बनाने में, तुमने तो बस 5-10 मिनट में देख लिया होगा। अगर यकीन नहीं होता तो थोड़ा पीछे जाके देख सकते हो। वैसे ही दिखाने से पहले एक और चीज बता देता हूँ आपको, कि मैंने एक गिव अवे रखा था कुछ दिन पहले, और मैंने उसमें कहा था अगर 6 लोग से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो हम गिव अवे रखेंगे, बट उसमें सिर्फ 3 लोगों ने किया, तो इसीलिए वो चीज मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। बट ठीक है, अब मैं इसको दिखाता हूँ कुछ सिनेमेटिक शॉट के साथ। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और यहाँ तक के देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। 1, 2, 3।